hello dear students you all are welcome in grade 8 subject maths topic exercise 14.2 factorization using identity actually we have done last time in last sessions some of the examples that we have done but still i am going to explain again because this is very very important chapter so now it may be repeated some of the sums so don't worry so it is good for you so factorization using identity here you see a square minus b square now this is a a is this is perfect square term here also perfect square term means which type of number will be there 25 1 4 9 25, 64, like that. Remember, 1 square, 1; 2 square, 4; 3 square, 9; 4 square, 16; 5 square, 25; 6 square, 36, like that type of perfect square number will be there. So, if two perfect square is there and in, in between minus sign is there, it will be factorized like a plus b, a minus b. So, remember this identity. On this identity, we are doing. You see, I am just giving you the, some examples, so at least you get the idea.

ये 16 किसका है 4 का परफेक्ट स्क्सर स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्स बी फाइव एक्स प्लस सेकेंड फोर्टी नाइन माइनस एक्स दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर देखो यहां दोनों परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो ये पॉसिबल है अदरवाइज नो तो ये 49 that we knew that it is a perfect square of 7 and x square means x so 7 square minus x square 7 plus x 7 minus x another one suppose 49 p square minus 36 is there both are perfect square having minus sign so use this identity 7 p square minus 6 square 7 p plus 6 7 p minus 6 apko pachana right i e right <coughs> you must know uh, Which type of sum is there? आपको पहचानना आना चाहिए करेक्ट नव ए रेस टू फोर माइनस बी रेस टू फोर मीन्स ए रेस टू फोर मीन ए स्क्र ऑफ स्क्र कैन बी राइटर बीस बी स्क्र ऑफ स्क्वायर सो स्क्र माइनस बी स्क्वेयर मीन्स स्क्वायर एक बार माइनस एक, एक बार प्लस यहाँ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर है और यहां बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर है सो ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र देखो दो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन बीच में प्लस है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा तो पुट एज इट इज लेकिन ये होगा आगे ए प्लस बी ए माइनस बी सो ए रेस्टू फोर माइनस बी रेस टू फोर में एक जो टर्म है उसका अगेन वो होगा फैक्टराइजेशन तो लाइक दिस वे सपोज एग्जांपल में ये समझते हैं ट्वेंटी फाइव ए टू फोर माइनस वन ट्वेंटी वन बी रेस टू फोर बोथ टर्म परफेक्ट स्क्वायर टर्म सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ऑफ़ होल होल राइट? राइट? और और ये 121 11, 11 का और ये 121 का तो आप ऐसे लगा दो, right? so, 11 square, 11 देखो यहां इसका यहां हो सकता है लेकिन यहां नहीं होगा क्यों बिकॉज दिस बोथ आर इन परफेक्ट है पांच परफेक्ट स्क्र नहीं है इलेवन भी नहीं है हाँ स्क्वेयर है लेकिन ये भी होना चाहिए नंबर भी अल्फाबेट दोनों परफेक्ट परफेक्टर होना चाहिए एक होगा एक नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा इसलिए वही दिस इज द आंसर इसके आगे कुछ नहीं चलेगा नेक्स्ट वन ये देखो आप यहां ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है अगेन चलेगा राइट ऐसे लिख दो यहां देखो ये यह अभी भी परफेक्ट स्क्वेयर है यहां नहीं था लेकिन यहां है देखो एम स्क्वेयर माइनस फोर फोर स्क्वेयर तो वो आपको अगेन फैक्टराइज करना पड़ेगा ये नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर मीन सिक्सटीन एंड एम प्लस फोर एम माइनस फोर करेक्ट सो दिस इज द आंसर दईडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी राइट हम ये आइडेंटिटी को फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इनटू ब्रैकेट प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इसके फॉर्म में आएगा यानी हम इसका ये दिया है ये है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा इसको फैक्टराइज़ करते तो ऐसे होगा या उसको एक्सपांड करते हैं तो ये होगा राइट एक्स प्लस बी को एक्सपांड करेंगे यू विल गेट दिस आंसर नक्सक्वा प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी उसको फैक्टराइज करेंगे यू विल गेट एक्स प्लस एक्स प्लस बी फॉर्म आंसर राइट तो आप है ना ये देखो नंबर वन टाइप नंबर वन ये एक्स 5x प्लस सिक्स इसके फॉर्म में दिया है आपको अभी उसको फैक्टराइज करना है राइट इसके आगे हमने ये स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप फैक्टराइज किया लेकिन यहां क्या था ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे यहां ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये नहीं है बराबर तो आपको कैसे इसको फैक्टराइज करने का तो आप ये मेथड देखो यू हैव टू डू सिक्स सिक्स बराबर सिक्स वन जाफिशियंट वन सिक्स वन झा सिक्स सिक्स का ऐसा फैक्टर उसका एडिशन ये प्लस यानी एडिशन ये बराबर बराबर देखना हाँ, ये बराबर समझ लेना सिक्स हैविंग सच अ फैक्टर दैट एडिशन इज ये आपका आंसर आंसर में क्या लाना है प्लस फाइव तो सिक्स का कितना पॉसिबल फैक्टर है यहाँ दिस इज सिक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो ये ये मेथड से हम करेंगे है ना सिक्स वन जा सिक्स होगा टू थ्री जिक्स बराबर ये दो फैक्टर आते हैं अभी हमको क्या करना है एडिशन करना है तो सिक्स प्लस वन करेंगे तो सेवन एक्स टू प्लस थ्री करेंगे तो फाइव एक्स यहाँ जो एक्स है तो यहां भी एक्स लगा दो करेक्ट यहाँ जो भी है सपोज सब, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई के फॉर्म में लगा दो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है बराबर और ये बीच वाला टर्म जो है प्लस फाइव एक्स माइनस आंसर लाना है तो प्लस फाइव एक्स आंसर किस में आता है टू थ्री जिक्स में आता है तो ये नहीं चलेगा इसमें इसको मैंने क्रॉस किया है ये आपके समझ के लिए है प्लस बराबर इस सम, आपको समझाने के लिए इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये टर्म देखो आ गया बराबर यहां सेवन एक्स तो ये काम नहीं लगेगा ये काम लगेगा बराबर तो इसका हमें फाइव एक्स का पार्टीशन किया देखो मैंने लिखा पार्टीशन पी आर टी आई टी आई एन पार्टीशन का क्या किया पार्टीशन एक्सक्वेर बराबर ये फाइव एक्स की जगह पे ये लिख दो टू एक्स प्लस थ्री एक्स ये रहा टू एक्स प्लस थ्री एक्स पार्टीशन किया बराबर प्लस सिक्स ये पहला सम है इसलिए मैं आपको बराबर समझा रहा हूं बाद में आपको ये सब बताना नहीं कि इसका पार्टीशन किया है आपको सिर्फ ये पॉसिबल फैक्टर्स बताना है कौन सा फैक्टर्स काम आता है वो बताना है और एडिशन यानी दोनों को प्लस साइन देने का एडिशन बराबर एडिशन प्लस लाना है तो दोनों को प्लस साइन दो इसके बाद जो आएगा उसमें एडिशन करना है लेकिन यहाँ आंसर में साइन माइनस होगा तो दोनों को यहाँ माइनस देना पड़ेगा इसके बाद वाला समय फिर तो आपको मालूम है ये दोनों दोनों को पैर कर दो बराबर इसमें से कौन सा एक्स कॉमन निकला एक्स प्लस टू ये दोनों में आप कर दो लाइन लगा सो so, यहाँ फैक्ट्राइजेशन बाय पार्टीशन मेथड एक्स लगा दो एक्स प्लस टू प्लस थ्री लगा दो एक्स प्लस टू ओके, okay. सो so, इसमें से x कॉमन निकला x प्लस टू इसमें से y, सॉरी थ्री कॉमन निकला x प्लस टू ये देखो दोनों सेम हो जाने चाहिए एक्स प्लस टू इज वन ऑफ द फैक्टर एक्स प्लस थ्री इज अनदर फैक्टर देखो ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ गया जो हमारी आइडेंटिटी है बराबर अभी इसको हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये बराबर आंसर है तो देखो ये ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी यानी एक्वल टू टू एंड b टू थ्री

तो ये आइडेंटिटी ऐसे इस्तेमाल होती है राइट right? तो so ये यहां खत्म हुआ ये फैक्ट्राइजेशन का ये सम लेट्स वी टेक अनदर सम, वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व बराबर ये रहा तो वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस प्लस ट्वेल्व पहले तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वाई स्क्वायर ये है लेकिन यह भी होना चाहिए तो वो आग, अगले वाल, अगला वाला वाला अगला नहीं आएगा। कैसा होना चाहिए माइनस देखो यहां आंसर माइनस आना चाहिए यहां आंसर कैसा था सिक्स का हमने किया था एडिशन किया लेकिन था लेकिन आंसर प्लस था बराबर यहां क्या है आपको

तो यहाँ देखो माइनस थर्टीन में मा आता है दोनों को माइनस दे सेम साइन एडिशन सेम साइन या तो दोनों को प्लस दे दो अगर आंसर प्लस लाना है तो दोनों को प्लस दे दो आंसर माइनस लाना है दोनों को माइनस दे दो प्लस करना है राइट प्लस किया दोनों का यहाँ भी दोनों का प्लस किया एट बराबर फोर प्लस थ्री सेवन बराबर तो कौन सा आंसर यहाँ माइनस लिखना रह गया ओके चलो तो फोर्थ रिजर्ट ट्वेल्व मीन्स

है ना मेक इट टू कॉमन फैक्टराइजेशन बाई पार्टीशन मेथड सो वाई कॉमन वाई माइनस फोर माइनस थ्री कॉमन वाई माइनस फोर सो वाई माइनस फोर एंड वाई माइनस थ्री वाई माइनस फोर यहाँ ये ब्रैकेट आपका सेम ही आना चाहिए अगर ये ब्रैकेट का टर्म बदल गया तो आपका आंसर रॉन्ग है ओके नेक्स्ट जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड माइनस ट्वेल्व देखो मैंने बोला ना अभी देखो यहाँ क्या है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ट्वेल्व का ट्वेल्व है तो इसका सब्टशन करना है चलो तो इसके पहले तो फैक्टर लिख दो ट्वेल्व वन जाट ट्वेल्व फोर थ्री जॉ ट्वेल्व सिक्स टू जॉ ट्वेल्व ये पॉसिबल फैक्टर लिख दो चलो यहाँ हमें आंसर सब्टशन करके माइनस फोर जेड लाना है बराबर आंसर फोर जेड ला लेकिन उसकी साइन माइनस होनी चाहिए चलो सिक्स में से चार गया तो फोर जेड फोर में से थ्री गया तो एक जेड ट्वेल्व में से वन गया तो वन इलेवन जेड नेचुरली ये नहीं काम आएगा ये नहीं काम आएगा यही काम, काम आएगा चलो आंसर क्या लाना है माइनस फोर जेड तो मैंने आपको सिखाया था सेवन्थ में राइट right? कि ऑपोजिट साइन अपट्रेक्शन एंड पुट बिगर साइन इन आंसर बराबर तो आंसर में जो साइन है वो बिगर नंबर को दे दो तो माइनस किसको देंगे सिक्स को ये बिगर नंबर है और इसको प्लस तो इसका पार्टीशन हो गया सिक्स में से दो गया तो माइनस फोर हो गया तो ये आप बराबर करो राइट साइन 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 वाला जो answer, जो में, <coughs> में जो आंसर आंसर में में है वो बिगर नंबर को लगा देने का तो हो गया बाकी तो सेम है जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस टू जेड माइनस ट्वेल्व पार्टीशन कर दो यू विल गेट दिस आंसर्स दूसरा अभी देखो वही यही टाइप का सम है लेकिन यहाँ माइनस फोर जेड आंसर लाना था सब करना था वही है सब करना है लेकिन आंसर अभी प्लस फोर जेड लाना है ताकि आपको पता चले राइट देखो <coughs> तो मैंने ऐसे ही मैंने फैक्टर वो पॉसिबल फैक्टर रख दिए लेकिन यहाँ ये यह दोनों तो काम नहीं लगेंगे तो कैंसल कैंसल ये काम लगेगा लेकिन यहाँ आंसर हमको प्लस फोर जेड लाना यहाँ माइनस फोर जेड लाना था तो माइनस इधर था सिक्स को अभी प्लस सिक्स को आएगा देखो और इसको माइनस आएगा बस इतना डिफरेंस है बाकी सेम है करेक्ट चल ये देखो अभी m2 plus 2m minus 15 15 हैविंग सच अ फैक्टर दैट सबट्रैक्शन वी गेट आंसर 2m सो so 15 के फैक्टर लगा तो 15 1 5 3 बराबर ये दो ही है फैक्टर <coughs> अभी हमको आंसर 2m लाना है करना है सब्ट्रैक्शन। यानी एक को प्लस और एक को माइनस देना है किसको प्लस और किसको माइनस बराबर ये फाइव में से थ्री गए तो दो आएगा यहाँ फिफ्टीन में से वन गए फोर्टीन तो ये नहीं आएगा ये आएगा करेक्ट अभी साइन की बारी ये प्लस आंसर है तो प्लस लाना तो प्लस को क्या मैंने क्या बोला था बिगर नंबर को दे दो प्लस फाइव तो यहाँ माइनस तो एक्स एम स्क्वायर प्लस फाइव एम माइनस थ्री एम माइनस फिफ्टीन एम विल बी द कॉमन एम प्लस फाइव माइनस थ्री विल बी द कॉमन एम प्लस फाइव दिस आंसर तो ये ऐसे करना है करेक्ट

और दोनों एम लगाना है तो एम एम लगा दो और करना है एडिशन तो दोनों को प्लस दे दो क्योंकि आंसर प्लस लाना है बाकी तो हमारी सेम मेथड जो मैंने बोला था वही ओके ये अभी दूसरा आइडेंटिटी है वो देखो ए प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल्ड स्क्वेयर अभी ए प्लस बी होल्ड स्क्वायर मीन्स आपको कैसे याद रखना है ये भी आया था सेवन्थ में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र दैट यू हैव टू रिमेंबर प्लीज देखो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर और बीच में साइन प्लस क्यों यहां प्लस है तो यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा ए बी ए माइनस बी होल स्क्म है ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्तर लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा ओके देखो से फॉर एग्जाम्पल ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स तो आपको देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटीज लेनी पड़ेगी इससे आप ऐसे फैक्टराइज करो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी ए यानी एक्स बी यानी प्लस बी स्क्वायेयर यानी माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा तो एक्सक्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस फोर लाइक टर्म को देखो आप ये प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स कैंसिल हो गया यू विल गेट एक्सर एक्सक्वायर प्लस फोर तो ये आपको ऐसे करना है बराबर आपको बहुत सी टाइप आएगी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो परफेक्ट स्क्वायर का है या इन परफेक्ट स्क्वायर का है या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करना है वो आपको देखना पड़ेगा करेक्ट तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा नेक्स्ट टर्म दिस इज एक्स्ट्रा है ए ए प्लस बी बी होल होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस आपकी जो टेक्स्ट है ना एक्सरसाइज उसमें ये अलग अलग टाइप के दिए हैं इसलिए मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूं बाद में इसका यूज आप उसमें कर सकोगे राइट right? वहां एक्स वाई दिया है मैंने यहां ए और बी लिख दिया चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर तो वो आइडेंटिटी यहां लिख दो ए माइनस बी होल स्क्वायर वो आइडेंटिटी यहां लिख दो बीच में माइनस है राइट right? तो अभी ब्रैकेट रिलीज करो जब ब्रैकेट रिलीज करते हैं फिर से मैं आपको बोलता हूँ जब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन एक्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा ये तो एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये माइनस है तो प्लस बिकम माइनस माइनस बिकम प्लस एंड प्लस बिकम माइनस ओके नाउ अभी क्या करो आप देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गॉन प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गॉन नाउ टू ए बी प्लस टू ए बी दैट इज फोर ए बी सो दिस इज द फाइनल आंसर नेक्स्ट x रेस टू फोर माइनस वाई प्लस जेड रेस टू फोर बराबर ये कैसे करोगे यूज आइडेंटिटी मैंने बोला यहाँ एक्स स्क् माइनस वाई रेस टू फोर तो एक्स रेस टू फोर मीन्स एक्स स्क्स रेस टू फोर मीन्स वाई प्लस जेड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ओके तो यहाँ स्क्वायेयर माइनस बी स्क्वायर देखो ये पूरा आप समझो कोई बी स्क्र यहाँ कोई स्क्र एक ये एक्स रेस टू फोर है ये और ये वाई रेस टू फोर है तो क्या करो दिस प्लस दिस दिस माइनस दिस तो एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा वाई प्लस जेड स्क्र आएगा और एक्सक्वायर माइनस ये पूरा इधर आएगा करेक्ट अभी ये वाई प्लस जेड यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर से उसको फैक्टराइज कर दो एक्स स्क्वायर यूज दिस आइडेंटिटी ए प्लस बी ओवर हियर एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायेयर प्लस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर यहाँ ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करो साइन बार माइनस है बार प्लस है तो घबराने का लेकिन बार माइनस है तो बी वेरी केयरफुल प्लीज फिर ब्रैकेट रिलीज करो बार प्लस है तो एज इट इज आएगा प्लस का प्लस यहाँ देखो ये यह प्लस है तो ये माइनस आ गया ये देखो माइनस ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस करेक्ट सो दिस इज द फाइनल आंसर नाउ यूजिंग ऑल दिस आइडेंटिटीज यू हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म बराबर ये क्वेश्चन नंबर वन है फैक्टराइज द फॉलोइंग ये देखो रिपीटेड है आगे हमने किया था लेकिन देख लो आप क्यों लिया कि आपको पहचान सको कि भाई ये कौन सी टाइप का है तो दिस इज विच टाइप स्क्वायेर प्लस एट ए प्लस सिक्सटीन तो ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप है देखो है ना तो ये ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर टाइप है तो ऐसे करने का ये सिक्सटीन यानी फोर का स्क्वायर बराबर तो ये ये इधर रख दो ये इधर रख दो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी है ना तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे करते हैं ये किसका स्क्वायर तो ये यहाँ आएगा यहाँ प्लस यहाँ प्लस बीच में प्लस साइन है तो बीच में प्लस रख दो टू और ये यहाँ आएगा ये आएगा इट मीनस इट इज अ स्क्वायर ऑफ ए प्लस फोर होल स्क्वायर राइट right? अभी ये देखो पी स्क्र माइनस टू पी प्लस ट्वेंटी फाइव ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप है तो आप एच डब्ल्यू में कर सकते हो फिर फोर थर्ड फोर फाइव सिक्स ये भी ये सब परफेक्ट टाइप के हैं जो हमने किया है वो आप कर सकते हो अभी ये देखो एल प्लस एम होल स्क्वायेर माइनस फोर एल एम तो आप ये है ना ए प्लस बी होल स्क्वायेयर से करो इतना ये तो एज इट इज रहेगा अभी देखो ये लाइक like टर्म है तो टू एल एम माइनस फोर एल एम तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायेर है ना इसमें से ये माइनस होगा तो टू एल एम रह जाएगा बराबर ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन वु बिगर नंबर साइन बिगर नंबर फोर है इसका साइन माइनस है तो ये रह गया अभी ये देखो कि ये क्या है ये भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर अभी अगेन फैक्टराइज होगा तो एल स्क्वायेर ये एम स्क्वायर बराबर बीच में माइनस साइन है तो माइनस रख दो ये एल और ये एम इट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर एल माइनस एम होल स्क्वायर ये आंसर आएगा चलो एट समू फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस्टू फोर ये भी परफेक्ट स्क्वायर टाइप है यानी किसका स्क्वायर है? है, है तो प्लस साइन रख दो तो आएगा ही ये इधर रख दो ये इधर रख दो तो आ गया देखो टू ए स्क्वायर बी स्क्र यानी ये किसका स्क्वायर है स्क्वायर प्लस बी स्क्र ये दोनों प्लस बी स्क्र होल स्क्वायर बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस <coughs> क्वेश्चन नंबर टू फैक्टराइज दिस फोर पी स्क्र माइनस नाइन क्यू स्क्टिटी माइनस बी स्क्र मैंने यहाँ लिखा है यूज आइडेंटिटी स्क्वायर माइनस बी स्क्र तो वो है a ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये किसका स्क्वायर है वो लगा दो प्लस थ्री क्यू टू पी माइनस थ्री क्यू बस अगर वो आपको पहचान लिया तो ये सम बहुत ईजी है देखो a सिक्सटी थ्री स्क्वायर माइनस वन वन टू बी स्क्वायर यहाँ है माइनस तो है दोनों दोनों लेकिन इम परफेक्ट स्क्वायर है तो आप जरा यू हैव टू अप्लाई योर माइंड तो हम क्या करेंगे अगर इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा देखो तो ये सिक्सटी थ्री यानी नाइन सेवन जिक्सटी थ्री वन वन टू यानी मैंने यहाँ फैक्टराइज किया है अगर नहीं आता है तो तो ये क्या होगा सिक्सटीन सेवन जटी फोर होता है देखो टू टू झा फोर टू झा एट टू झा सिक्सटीन सेवन से सेवन अगर कॉमन निकलेगा दोनों में से देखो तो अंदर नाइन ए स्क्वेयर यहाँ सिक्सटीन बी स्क्र ये अभी आपका देखो परफेक्ट स्क्वेयर बन गया

तो अगर इसमें से एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे तो इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर देखो अभी हो गए 16X square, 144. ये, 4X का, square है, ये 12 का है ये okay? तो का है. तो ऐसे करते हैं एग्जाम सेम सम में भी आएंगे सेम ऐसे ही सम्थ में भी आएंगे राइट right? इलेवन में ट्वेल्थ में ये तो चलता ही रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ला फाइव सिक्स बाई होमवर्क सेवन एक्स स्क्स टू एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो आपको ये देखना है कि ये क्या है तो ये तो आइडेंटिटीज है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्स किसकी आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई स्क्वायर की तो ये लिख दो माइनस जेड रिज टू टू चलो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अभी फैक्टराइज होगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर एट ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एट बी सी माइनस फोर्टी नाइन सी स्क्वायर अभी देखो इसमें ट्वेंटी फाइव ए स्क्वेयर यहाँ परफेक्ट स्क्वेयर एक दो तीन आता है तो यहाँ लेकिन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी माइनस साइन में नहीं आते हैं तो क्या करो आप माइनस ये ट्वेंटी फाइव ये तो परफेक्ट प्लस है तो इसको पहले ले लो बाद में यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो बराबर ये देखो बी सी यानी ए टर्म की ही कॉमन मिडल टर्म है तो माइनस कॉमन ले लो देन दिस बिकम प्लस दिस प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस क्योंकि माइनस बाहर ले लिया ब्रैकेट रख दिया तो अभी देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर टाइप फैक्ट्राइजेशन हो गया तो ये फोर यानी टू बी का स्क्वायर है ये सेवन सी का स्क्वायर है और इसको बीच में रखकर देखो सेवन टू सेवन फोर्टीन से ट्वेंटी एट आ गया बराबर ये तो एज इट इज रहेगा अभी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया ट्वेंट टू बी माइनस सेवन सी होल स्क्वायर बराबर तो ये ट्वेंटी फाइव स्क्वायर यानी इट इज द स्क्वायर ऑफ़ फाइव ए होल स्क्वायर माइनस टू बी माइनस सेवन तो देखो अभी यहाँ कौन सी आइडेंटिटी आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर वाली ये पूरा बी है और ये पूरा आपका ए है तो ऐसे समझो ए प्लस बी यानी कि दिस प्लस दिस ब्रैकेट एंड दिस माइनस दिस ब्रैकेट चलो बाहर माइनस है तो उसको लीव कर दो माइनस ये प्लस माइनस ए माइनस बिकम प्लस सो दिस इज द आंसर सो लाइक दिस वे यू कैन डू स्टूडेंट्स राइट इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी दिस क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इट इज अ होमवर्क फॉर यू नेक्स्ट टाइम वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक ओके सो टिल देन गुड बाय हैव है नाइस डे Thank you.